टमाटर इतना महंगा हो गया है कि अगर किसी को गुस्से में टमाटर फेंकना है तो पहले लोन लेना पड़ेगा। गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि अब टमाटर फेंकना भी सस्ता नहीं है। पहले लोग कहावत सुनाते थे, गिरते हुए इंसान को टमाटर नहीं मारते, अब तो मारने के लिए टमाटर का बजट ही नहीं है। मुश्किलों का सामना करें, क्योंकि अब लोग सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, टमाटर नहीं। आजकल सब्जी की थैली लेकर लौटने वाले को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई करोड़पति घर आया हो। छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढें, हर दिन की जीत बड़ी हो सकती है। मम्मी ने कहा, बेटा टमाटर नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, तुम खुद एक टमाटर की तरह लाल होकर ही घर आ जाओ। चुनौतियों से घबराएं नहीं, उन्हें चेहरे पर हंसी के साथ सामना करें। प्याज की कीमत देखकर वो दिन याद आ गया जब इसकी वजह से आंखों में आंसू आते थे, अब तो कीमत देखकर ही रोना आता है। हर समय रोने का नहीं, हंसते हंसते मुश्किलें पार करने का है। कल सब्जी मंडी गया, दुकानदार ने कहा, भाई साहब सब्जी देखनी है या सिर्फ फोटो खींचनी है? कभी कभी मुश्किल हालातों का सामना हंसी मजाक से करना ही सही होता है। प्याज खरीदने गए थे, दुकानदार ने बोला, प्याज के बदले सोना चढ़ा सकते हो क्या? हंसी सबसे बड़ी दौलत है और इसे कोई महंगाई छीन नहीं सकती। मेरी आलू से दोस्ती अच्छी थी, लेकिन अब टमाटर से बातचीत के लिए भी सोचना पड़ता है। रिश्तों की अहमियत कभी महंगाई से मत आंकिए, उन्हें हमेशा दिल से निभाइए। अब सब्जी खरीदते वक्त मोल भाव की जगह मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ती है, भैया दाम तो बढ़े हैं पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। चाहे कितनी भी महंगाई हो, आपके इरादे हमेशा मजबूत रहेंगे। पहले टमाटर की चटनी बनती थी, अब टमाटर को देखकर ही खाना खा लेते हैं।